हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइंस सोशल साइंस क्या होता है उसको आज मैं समझाने जा रहा हूँ और सोशल साइंस की कितनी ब्रांचेज हैं वो आप इस वीडियो में समझेंगे तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में एक कॉमन बात है जो सबको समझ में आनी चाहिए वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस As the name itself suggests, social science is concerned about society. It aims at understanding all aspects of society as well as finding solutions to deal with social problems. It is a broad area of knowledge and includes several different disciplines under its domain. Social science also helps us to acquire a capacity to make interconnections between various subjects. इन द बिगनिंग देर वॉज ऑनली वन डिसिप्लिन दैट इज़ फिलासफी सोशल साइंस डील्स विद नॉलेज कंसर्न विद ऑल अस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बींग्स डैंडल्ब्स तो ये सोशल साइंस क्या होता है इस वीडियो में आपने देखा इसको आइए हिंदी में समझते हैं सोशल साइंस क्या होता है सोशल साइंस के बारे में आपको बताया गया कि एज द नेम इट्सल्फ सजेस्ट सोशल साइंस इज कंसर्न अबाउट सोसाइटी जैसा कि नाम अपने आप में ये बताता है कि सोशल साइंस किस से संबंधित है सोशल साइंस सोशल यानी सोसाइटी से संबंधित है समाज से संबंधित है सोशल साइंस समाज का एक साइंस है समाज से संबंधित एक विज्ञान है इट एम्स एट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एज वेल एज फाइंडिंग सोल्यूशंस टू डील विद द सोशल प्रॉब्लम्स ये सोशल साइंस क्या करता है इस सोशल साइंस का जो मेन उद्देश्य है इसका जो मेन गोल है जिसे कहते हैं लक्ष्य है वो क्या है कि समाज के सभी पहलुओं को समझना सोशल साइंस का मेन उद्देश्य समाज के सभी पहलुओं को समझना और समाज में व्याप्त समस्याओं का समाधान ढूंढना है इट इज़ अ ब्रॉड एरिया ऑफ़ नॉलेज एंड इनकलूड सेवरल डिफरेंट डिसप्लिन अंडर इट्स डोमेन सोशल साइंस में बहुत बड़ा क्षेत्र शामिल है सोशल साइंस बहुत बड़े एरिया को अपने में इंक्लूड करता है और इसके डिफरेंट इसके डोमेन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसप्लिनस भी शामिल हैं यानी डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स भी शामिल हैं सोशल साइंस ऑल्सो हेल्प अस टू एक्वायर अ कैपैसिटी टू मेक इंटर कनेक्शंस बिटवीन वैरियस सब्जेक्ट्स सोशल साइंस साइंस क्या करता है सोशल साइंस हमारे अंदर वो क्षमता पैदा करता है जिस क्षमता के द्वारा हम अलग अलग विषयों में सोशल साइंस की हेल्प से एक इंटर कनेक्शन एक अंतर संबंध स्थापित करने में सफल हो जाते हैं और आपको ये भी बताया गया कि इन द बिगिनिंग देअर वॉज़ ओनली वन डिसिप्लिन प्रारंभ में केवल एक ही एक ही सब्जेक्ट था और वो था फिलासफी और फिलोसफी का क्या मीनिंग है फिलासफी मीन्स लव फॉर विजडम और नॉलेज फिलोसफी का अर्थ है कि नॉलेज के लिए प्रेम नॉलेज के लिए और बुद्ध बुद्धिमानी के लिए प्रेम और ज्ञान डैट इज़ वाई इसी लिए

सोशल साइंस क्या करता है सोशल साइंस समाज के सभी पहलुओं का ज्ञान है जो हमें मनुष्य सभी मनुष्यों को भी उसमें शामिल करता है सोशल साइंस समाज के सभी पहलुओं का ज्ञान देता है जिसमें मनुष्य भी ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड है अब आपको बताता हूँ मैं सोशल साइंस में कौन कौन से ब्रांचेज आते हैं तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट ब्रांचेज और सब डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज या सब डिसिप्लिन हैं वो कौन सी हैं तो सोशल साइंस में बहुत से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं जैसे कि हिस्ट्री आर्कियोलॉजी जियोग्राफी पोलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स ये सारे सब्जेक्ट्स सोशल साइंस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं तो ये सोशल साइंस का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था आई होप you have understood all the concepts which i have explained in this video so next video the mat bhouleyega. so don't forget to watch my next video for further knowledge thank you very much for watching this video